हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिलीप सोनी ब्लॉग में। तो अभी देख सकते हैं हम और परी रेडी हो गए हैं और अभी सुबह का लगभग बज रहा है 10 और आज हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्योंकि डेली डेली घर पे रहते हैं और अभी तो ऐसे भी टेंशन है, हॉस्पिटल आना जाना, ऐसे में हम लोग थोड़ा बोर हो गए थे तो सोचे थोड़ा बाहर घूमने जाएं और बच्चा लोग को भी साथ में थोड़ा एंजॉय करने के लिए जाएं। और हो सकता है कहीं आप लोग भी बोर हो जाते होंगे कि रोज घर घर का वीडियो में, तो आज हम लोग प्लान बनाए कि बाहर घूमने जाया जाए। लेकिन बारिश ऐसा है कि हम लोग का हर दिन का प्लान है वो खराब करने में ही लगा रहता। और एक चीज है, जिस दिन भी इसके परी के पापा का छुट्टी रहता उस दिन तो एकदम पानी आना ही आना है। अभी एक बार आके चला गया, अभी फिर से आ रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि आज घूमने जाएंगे तो जाएंगे, क्या परी? हाँ, आज छोड़ना नहीं है। और जहाँ हम लोग को घूमने जाना है उधर बिल्कुल भी पानी नहीं है, इधर बस पानी आ रहा है। तो अभी वेट कर रहे हैं, पानी छूटेगा उसके बाद हम लोग चलेंगे, क्या किशन? और किशन भी अभी स्कूल से एग्जाम दे के आ गया है। कैसे एग्जाम दिया? अच्छा दिए। बच्चा लोग तो सब बताइए अच्छा दिए है, बाकी तो रिजल्ट देखने में पता चलेगा। और इधर किशन का पापा भी देखिए रेडी हो गए हैं। तो अभी आप लोग को पता है कि मेरा छुट्टी जिस दिन भी रहता है ना, बस पानी कहता है कि तुम घर में रहो, छुट्टी है। और मेरा घर वाला कहता है कि आज छुट्टी है पापा, आज चलिए कहीं चलते हैं। लेकिन बारिश जाने नहीं देते। अभी खूब जोर से बारिश हो रहा है। मेरा दोस्त लोग को उधर फोन किए थे कि उधर रहना तुम लोग भी, हम लोग आ रहे हैं, सब कोई कहते तो सब रेडी है। और उधर पानी भी नहीं है, इधर पानी पड़ रहा है, मात्र 3 किलोमीटर का फासला में पानी इधर है उधर नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना तेज इधर बारिश हो रहा है। अब पता नहीं बारिश कब छूटता है, जब छूटेगा तो हम लोग अभी चलेंगे घूमने। तो दोस्तों अभी हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब देखिए सब कोई रेडी है, पानी अभी छूट चुका है। हाँ, तो चलिए अभी निकलते हैं क्या? तो दोस्तों अभी हम लोग देख सकते हैं दुर्वा डैम के पास पहुँच चुके हैं और पानी अभी तो उतना भरा नहीं है, थोड़ा बहुत लेकिन पहले से ऊपर हो गया है ना। तो दोस्तों अभी हम लोग धुरवा डैम के पास रुके हुए हैं और यहाँ थोड़ा सा मजा ले रहे हैं। और यहाँ का व्यू देखिए आप लोग कितना मस्त है, इधर पूरा जंगल ही यहां जंगल। यहाँ से देखिए मेरा कंपनी दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। और इसका अपोजिट साइड हो गया आपका डैम। अभी क्या किया जाए? बस थोड़ा एक आदमी का वेट कर रहे हैं, फिर निकला जाए। और हमको तो लग रहा है कि जो चीज सोच के निकले हैं आज पता नहीं होगा कि नहीं, कि जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ वहाँ बारिश स्टार्ट हो जा रहा है क्या? आज हम लोग का बारिश पीछा नहीं छोड़ेगा लग रहा। और इधर देखिए ये लोग चिप्स वगैरह जितना खाने पीने का चीज सारा पकड़ लिया है। इधर परी भी है, क्या परी? बहुत खट्टा है भाई। अभी आ चुके हैं हम लोग जंगल और यहाँ जंगल आते साथ देखिए ये सबको मिल गया, क्या है जी? ये है झाड़ू। देखिए झाड़ू गांव वगैरह में ना इसी से झाड़ू बनता है। और हम सोच रहे हैं अभी बहुत सारा तोड़ के ले जाएं इसको, पर आता तो नहीं है हमको कि झाड़ू कैसे बनता है, पर हम सोच रहे हैं ये लेके जाएं। और आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा मौसम साफ है लेकिन लग रहा है शाम तक बारिश हो जाएगा। तो अभी चलिए फटाफट से हम लोग ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ लकड़ी, क्योंकि आज हम लोग जंगल का बीचों बीच करने वाले हैं चिकन पार्टी। तो दोस्तों आज हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे चिकन पार्टी किया जाए, प्लान करके तो वही आए हैं। अभी हम लोग के साथ दो और भी आए हैं, वो लोग भी बोले कि मतलब हम लोग का घर का बगल में, चलिए थोड़ा बहुत जंगल है तो थोड़ा हम लोग इंजॉय करेंगे। तभी देखते हैं, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या करते हैं, कि मैगी वगैरह ही खा के चले जाते हैं। और हम लोग कुछ भी नहीं लाए हैं ना जी, यहाँ मतलब है कुछ भी नहीं, मैगी लाए हैं और एक तावा ताई लेके आए हैं, क्या सोने? हाँ, और बाकी तो लकड़ी ढूंढेंगे। बाहर निकल के थोड़ा एडवेंचर नहीं करिएगा तो उसमें मजा क्या है, सारा सुविधा लेके आइएगा। तो बस हम लोग अभी ढूंढ रहे, और आप लोग बोलिएगा कि ऐसा मौसम में पिकनिक पार्टी कर रहे हैं, तो हाँ यही तो नहीं, अलग करना चाहिए। दूसरा क्या है ना कि हम कभी ना कभी ऐसे करते रहते थे, क्या सोने? पहले यूट्यूब में नहीं थे तब भी हम बच्चा सबको इधर घुमाते रहते थे। और अभी देखिए दोनों साइड पूरा जंगल है और जंगल के बीच में इतना सारा चट्टान है, बाकी लोग सब भी है इधर, बैल बकरी सब चरा रहा है। तो इधर हम लोग चल रहे हैं अभी लकड़ी ढूंढने के लिए। तो ये रहा। तो दोस्तों इधर दो भाई भी आए हैं और देखिए कैसे चढ़ रहे हैं वो, ये लकड़ी ढूंढने के लिए है ना। इतना ऊपर तो रिक्स है, नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा आने से पहले वो चढ़ गए हैं भैया। तो आपको भी चढ़ना है इसमें? इसमें हाँ, हम नहीं चढ़ेंगे भैया। हाँ, डर लगता है ना, वहीं से उतर जाइए, बहुत ऊपर नहीं जाना है। बाप रे, तो कैसे तोड़ता है इतना बड़ा बड़ा को? जंगल आए हुए हैं, यहाँ
कुछ करने वाले हैं और हम लोग के साथ में बहुत कोई आए हुए हैं। अभी दिखाते हैं थोड़ा देर में। मैं ऊपर चढ़ गया था लकड़ी तोड़ने के लिए। दोस्तों इतना सारा लकड़ी तो हम लोग ले आए, हो जाएगा सोनी इतना में? देखिए काफी है इतना। और इधर सोनी देखिए चूल्हा भी हम लोग का बना ली है, देखिए यहाँ। लेकिन जली नहीं रहा है, जली नहीं रहा, एक ही माचिस निकल रही है। और माचिस एक ही है, उसमें कांटी है कि नहीं है। रुको हम जलाते हैं, लाओ। ये रहा मस्त मस्त पता अभी मिला है हम लोग को। ये रहा, अरे है साल का पत्ता है। तो दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं काफी एकदम पत्ता है और हम लोग को यही पत्ता चाहिए दोस्तों, है ना। ये रहा देखिए, लेकिन फटा हुआ है, चलेगा काम, इसी से हम लोग बना लेंगे क्या बेटा। अब मस्त पत्ता एकदम लग रहा है हरा हरा, लेकिन वही है कि छेदा है ये, चलिए काम चल जाएगा। तो दोस्तों अभी देखिए इतना सारा पत्ता हम तोड़ लिए है, उसके बाद अभी हम लोग इसका पत्ता सीएंगे, उसके बाद की सीएंगे। तुम सीने जानता है? हमको नहीं आता, मम्मी सी लेगी। चलो चलो हो जाएगा, इतना काफी है बेटा। काहे कि जल्दी से हम लोग को इसको बनाना भी है, काहे कि भूख भी लग रहा है हम लोग को, क्या किसो? हाँ। चलो हाँ। दोस्तों यहाँ साल का पेड़ में जो चींटी रहता है रेड कलर का, देखिए एकदम। तो दोस्तों यहाँ देख सकते है सोनी का हेल्प हम करने आ गए है, और इधर हम लोग का बन रहा है मैगी। तो मैगी पहले फ्राई होगा। अरे जो खोल रहे हैं ना, ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, इसमें कुछ और ही है। तो आप लोग को दिखाते हैं, ये रहा, इसको खोलेंगे तो यहाँ दिख रहा है कुछ लिक्विड टाइप से। अरे लिक्विड नहीं है, ये तेल है भाई सरसों का, देखिए मस्त एकदम। और वो भी है, नाप के लाए हैं क्या? देखिए ज्यादा ला के भी कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग इसको यही खत्म करने वाले हैं। यहाँ देख रहे हैं ना कि ढेर सारा प्याज भी हम काट रहे हैं यहाँ पर, काहे कि हम लोग को मैगी के लिए चाहिए था। देखिए मस्त एकदम काट दे रहे हैं पतला पतला। अपना घर से ही थोड़ा थोड़ा जुगाड़ू सामान लेके आ गए हैं, ज्यादा हम लोग को खोजने का जरूरत नहीं है, सिर्फ लकड़ी ढूंढने गए तो लकड़ी भी 2 मिनट में मिल गया। तो दोस्तों यहाँ देख रहे है ना, इसको डाल दिए हम यहाँ। और अभी हम लोग का प्याज डला चुका है, और इसको थोड़ा सा मिला देते हैं। ओ है ये जुगाड़। तो सोनी लेके आई है, इसका नाम है छोलनी, आप लोगों को तो पता ही होगा। ये छोलनी से दो काम होता है, एक तो ये चलाने के लिए, और पत्ती अगर कोई गलती किया ना तो बीवी मारती है छोलनी से। कि नहीं? आपको भी जलाइए, बंद हो रहा है। इसका आग लग रहा है, बुझ रहा है इधर ना। तो देखिए हम लोग का एलपीजी गैस का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए। देखिए वॉल्यूम यही है, इधर से बढ़ेगा। ये रहा मस्त एकदम निकल रहा है, इसमें बर्नल देखिए हम लोग का कितना गजब का है। ये रहा का पसीना देख रहे हैं ना, क्या धूप में सूख रही है क्या? धूप में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? बहुत दिन के बाद विटामिन डी मिल रहा है, है ना? ऐसा रोज रोज थोड़ी टाइम मिलता है, तो आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला। प्लान था हम लोग का दूसरा, लेकिन बारिश के वजह से कैंसिल हो गया, लेकिन वो अगले बार ट्राई जरूर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग सोचे थे ना कि चिकन का कुछ स्पेशल चीज बनाया जाए, लेकिन बारिश जो है ना वो साथ नहीं दिया। और अभी देख रहे ना पसीना निकल रहा है, देखिए काफी पसीना निकल रहा है, गर्मी लग रहा है। और हम लोग का घर तरफ देखे कितना बहुत जोर सा बारिश आ रहा था ऐसे। तो दोस्तों इतना सारा पत्ता लिए हैं, ये बहुत बड़ा है, इसके ऊपर में हम ऐसे करके बना रहे हैं, 3-4 ठो ऐसे सिलाई जाता है ना, देखिए ऐसे करके थोड़ा सा अपना टैक्टिक्स लगा रहे हैं। कम कम ज्यादा ज्यादा खाना है। हाँ। आप दीजिए सिलाई के लिए, सिलाई के लिए दीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए हम पत्ता एकदम परफेक्ट टाइप से सी रहे हैं कि नहीं, आप लोग बताइएगा। और पीछे से कुछ इस टाइप से है मेरा, और देखिए बहुत बड़ा है, और ये है खाने के लिए बन जाएगा, इसी में बैठ के खाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्याज और मिर्चा फ्राई हो चुका है, और यहाँ देख सकते हैं इतना सारा टमाटर भी काट लिए हैं, ये टमाटर भी डाल रहे हैं। परी बैठी है चलाने के लिए, देखिए, पर परी को धुआं लग रहा है और गर्मी लग रहा है, पर बोल रही है कि आज हम भी बनाएंगे। यहाँ पे टमाटर प्याज मिर्चा अच्छे से भून गया है, और हम लोग डालेंगे अभी इसमें पानी। पानी के बगैर कितना जुगाड़ू करके लाए, क्योंकि यहाँ पे पानी का सुविधा नहीं है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं परी मैगी डाल रही है, कितना कष्ट भरा मैगी पका रही है। क्या परी बाहर पका के आज कैसा लग रहा है? आज परी मैगी भी अच्छे से बनाना सीख जाएगी। ऐसे तो परी को बहुत कुछ बनाने आता है ना परी। तो चलिए अभी हम लोग का मैगी अब रेडी होने वाला है। इनका देखिए पतल पता नहीं कैसे कैसा सील, और इधर ट्रेनर बैठे गणेश जी जैसा लग रहा है, देखिए है ना, बड़ा पतल इधर पतल भी है, इसमें दो चार ठो लगा है लेकिन पीछे से एक ही ठो है। हाँ तो दोस्तों आग हम लोग का जल नहीं रहा है तो हम इसको जलाना पड़ेगा। इसको हमको धुआं बहुत हो रहा है, जल गया ना सुनी? तो दो 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 बन गया, जल्दी दो, भूख लग रहा है। चूल्हा से उतारे थोड़ा सा दो ना, भूख लग रहा है, तभी ऐसे देख रहे हैं। नियम के खिलाफ है इसीलिए कड़ाही थोड़ा थोड़ा नहीं दे सकते हैं। सेना निकल गया इधर बनाते बनाते, लेकिन ऑलरेडी हम लोग का मैगी बन गया है। हाँ, है बन के रेडी हो गया है, अब बस इसको खाना बचा हुआ है। तो अभी हम लोग सब भाई लोग बैठेंगे खाने के लिए, अब फिर खाएंगे। पहले तो ठंडा हो ले, बहुत जोर से गर्मी लग रहा है क्या? यहाँ निकालते हैं दोना में, पहले तो इसको पकड़ने के लिए चाहिए भाई, बहुत गर्म है तो पकड़ने के लिए साफी हम लोग का यही यूज होगा। ये रहा, मिलेगा सबर। तो दोस्तों मेरा तो देख रहे हैं ना, देसी जुगाड़, देसी जुगाड़। तो यहाँ इसे डालिए, पहले तो हम दे लेते हैं पहले, और उसके बाद यहाँ जाइए। अरे आबे निकल रहे हैं, आओ आओ आओ, बहुत टेस्टी है भाई। इसमें और एक डंटा का जरूरत पड़ता है, जो चाइना में खाता है। और एक डंटा चाहिए, लेकिन हम लोग पकड़ने नहीं जानेंगे, गिर जाएगा, खाएंगे कब। तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, देखो सोने ऐसे करना ना, देखो इधर करो, परी को टेस्ट कराइए। हाँ परी आओ, सबसे पहले परी को टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि परी भी काफी मेहनत की है मैगी बनाने में। लो परी देखना ना, तो चोट ना लग जाए। कैसा मस्त है ना, मम्मी को बताओ कैसा। एक दे अभी उठा है उसको, इसका मोड़ मोड़ी है। तो दोस्तों ये फंसाने के लिए हम मोड़ेंगे ना, उसे करके ये रहा, आता ही नहीं है यार, खाएंगे कब। कैसा लग रहा है? मस्त है ना बेटा। तो दोस्तों अभी मैगी खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा पूरा जंगल घूमने गए थे, और काफी मस्ती आया, और हम लोग सोच रहे कि अब चला जाए घर, कहे कि शाम होने का समय हो गया है, अब 4-5 बज रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग का कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो न्यू है हम लोग का ब्लॉग में वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो दोस्त यार को शेयर भी कीजिएगा, और प्यार बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।